अभी इन्होंने $1 बढ़ाकर ना उतर पुतर मच गया है ना इस अब वीजा के अपडेट से, इट इज गुड न्यूज, वो भी इंक्रीज कर दी है। हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शारदा कश्यप व्लॉग। तो आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक होने वाला है जो 1 जुलाई को जितने भी चेंजेस आए हैं, जितने भी वीजा में अपडेट्स आए हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। तो मैं आज ज़्यादा स्टूडेंट पे बात करने की ज़्यादा ट्राई करूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो मेरे को होता है कि मैं स्टूडेंट का सारा, इंटरनेशनल स्टूडेंट का कवर करने की कोशिश करूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन उनको मैं दे सकूँ मैं उतनी देने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ जाए एक बारी में कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या अपडेट्स आए हैं और किस पे तुम्हें काम करना चाहिए, किस पे नहीं। चलो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंक्रीज मिनिमम वेजेस। तो इन्होंने पे रेट को थोड़ा इंक्रीज कर दिया $1 से, तो जो कि पहले था हमारा 23.32 सेंट्स, मतलब $23.32, और अभी इन्होंने $1 बढ़ाकर $24.10 इंक्रीज कर दिया है। तो वही स्टूडेंट, मतलब अगर इसको वीकली देखा जाए तो $578.40 बनता है, तो ये वीकली एक स्टूडेंट का बनेगा बजट। एंड वैसे तो स्टूडेंट्स का फोर्टनाइटली काउंट होता है, तो हाँ मतलब फोर्टनाइटली काउंट किया जाए तो देख लेना, खुद जोड़ लेना। मैंने तो वीकली निकाला सिर्फ, तो वीकली हमारा है 578, ठीक है, थोड़ा कष्ट तुम भी कर लो। एनीवेज चलो हम इंक्रीज सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन इनका इन्होंने इंक्रीज करा है 11% से 11.5%, मतलब 5% ही इंक्रीज करा है इन्होंने। बट बेसिकली हम अब जानते हैं सुपर एनुएशन होता क्या है। सो सुपर एनुएशन क्या है? सुपर एनुएशन आपके बुढ़ापे का सहारा है, आई वुड से। नहीं नहीं, बट ऐसा नहीं है, हाँ मतलब ऐसे ही है, बुढ़ापे का सहारा है, आई मीन यस। तो जब आप रिटायर होंगे तो ये आपको सुपर एनुएशन दिया जाता है, मतलब अभी आप जो आप अर्न कर रहे हैं उसमें ही आपको सुपर एनुएशन कटता जाता है साथ ही साथ। तो ये आपको तब मिलता है जब आप रिटायर होते हैं, तो उसके बाद आपको दिया जाता है, या तो ये आप कंट्री छोड़ के जा रहे हैं परमानेंट, आपका सुपर एनुएशन फंड आपको वापस किया जाता है। अब हम आते हैं स्टूडेंट वीज़ा फीस इंक्रीज पे। तो ये थर्ड पॉइंट है हमारा। तो अभी स्टूडेंट वीज़ा फीस जो होता है, जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस का फीस होता है, वो पहले था $710, तो अभी कितना इंक्रीज किया है इन्होंने, $1600 इंडिविजुअल का, अगर मतलब जो कि नॉन रिफंडेबल है, समझ रहे हो? अगर तुम्हारा वीजा आया फिर तो बल्ले बल्ले है, नहीं आया तो तुम्हारा $1600 भी गया, $1600, इट्स अ बिग अमाउंट ब्रो। आई मीन क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि स्टूडेंट कोई ना आए? अब हम बात करते हैं वर्क वीजा माइग्रेंट लोगों के लिए, और जिसको हम TRV बोलते हैं, टेम्पररी रेजिडेंस वीजा। तो इस वीज़ा में काफ़ी अपडेट आया है, जो लोगों लाइक इतना उतर पुतर मच गया है ना इस अब वीज़ा के अपडेट से, काफ़ी लोग वरिड हैं कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो होपफुली उनको उनका वे मिल जाए। और उससे पहले मैं एक और अपडेट देना चाहूँगी, जो कि मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, नो टूरिस्ट वीज़ा टू स्टूडेंट वीज़ा। मतलब क्या सीन है इसमें, कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया आए हैं, तो आप अपना टूरिस्ट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा को अपना स्टूडेंट वीज़ा में आप स्विच नहीं कर सकते। अब पहले क्या होता था कि वो लोग आते थे और टूरिस्ट वीज़ा लेके आते थे, 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो लेके आते थे और उनका मतलब माइंड चेंज हो जाता था और वो ऐसा सोचते कि स्टडी करना है, देन वो लोग अपना टूरिस्ट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा में स्विच कर लेते थे। तो अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो चीज़ गवर्नमेंट ने बंद कर दी। सो हम बात करते हैं अपने 6th पॉइंट की, चेंज इन वर्किंग वीज़ा टेम्प्रेरी रेजिडेंस, जिसको हम TR बोलते हैं, और इसका सब क्लास है 485, जिसमें चेंजेस हुई हैं, जिसमें मैंने बोला अभी बहुत उतल पुतल मच गई है, वो यही वीज़ा है, इसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो इसमें चेंज हुआ है, इन्होंने एज लिमिट डिक्रीज कर दी है। तो एज लिमिट पहले थी 50, अभी 35 कर दिया है। तो जो 35 से ज़्यादा के लोग हैं उनको अब टेम्प्रेरी रेजिडेंस लाइक टेम्प्रेरी TR नहीं मिलेगा, ठीक है, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म में कि उनको TR नहीं मिलेगा जिनकी एज 35 से ज़्यादा है। सो जिनकी एज 35 से कम है वही TR अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी 5 बैंड से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है।
तो जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स आप लेके चलो कि 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आने चाहिए तो ही आप टीआर अप्लाई कर सकते हो, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो पहले क्या होता था कि लोग टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे, फिर वापस स्टूडेंट वीज़ा डाल देते थे, मतलब ऐसे स्टे करने के लिए उनको कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, तो वही ऐसे टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया करते थे कि बार बार स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया करते थे, जो कि गवर्नमेंट ने अभी बंद कर दिया, ये बिल्कुल ही फिनिश कर दिया है। अभी बोला है कि अभी आप अपना स्टडी ख़त्म करो, टीआर लो, टीआर के टाइम पे ही तुम अपना परमानेंट रेजिडेंस का वे ढूंढो, ठीक है। कि वो ये मना नहीं कर रहा कि तुम परमानेंट रेजिडेंस मत लो, मतलब लो, लेकिन टीआर के टाइम पे ही तुम अपना परमानेंट रेजिडेंस का वे ढूंढो, बार बार ये टीआर लेके यहाँ पे मत रुको, वैसे बेसिकली गवर्नमेंट ये बोलना चाह रहा है। तो इन्होंने यही है कि अगर जैसे अब तुम टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा ले लेते थे, वो अब गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो वो तुम अब वापस नहीं ले सकते। बेसिकली यही है शॉर्ट फॉर्म में कि तुम टीआर के बाद स्टूडेंट वीज़ा वापस अप्लाई नहीं कर सकते। सो यही अपडेट्स थी जो कि मैंने बता दिया, होपफुली तुम्हें समझ में आया हो अच्छे से, और जो भी तुम्हें इससे ज़्यादा अपडेट मिली है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, और होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। और यस, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का वीज़ा आ चुका है, काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है। जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले ही बताया था कि वो जेन्युइन स्टूडेंट चाहता है अपनी कंट्री में, कंट्री को जिस जिस स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो कंट्री गवर्नमेंट वही चाहता है कि वही जेन्युइन स्टूडेंट्स आएँ जो उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सके। और बेसिकली अभी लिस्ट में तो सबसे ज़्यादा यही बताया जा रहा है कि नर्सिंग एंड एज केयर वर्कर, अर्ली चाइल्डहुड वर्कर, इन सब की ही ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट है। या मतलब इन सब ज़्यादा कोर्सेज में इन लोगों को चाहिए कि इनको ज़्यादा नर्स चाहिए, इनको ज़्यादा एज केयर वर्कर चाहिए, तो इन सब की ज़्यादा अभी ये सब कुछ इंक्रीज करने का रीज़न बेसिकली यही है कि ये लोग नहीं चाहते कि अभी ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा लोग आ जाएँ, इतने ज़्यादा लोग भर जाएँ कि जो कि इनको जो कि मतलब कंट्री को बेनिफिट ना हो उन लोगों से, तो वो लोग नहीं चाहते कि ये इतना लोग भर के रखे कंट्री में। सो यस, वो अब वही स्किल वाले वर्कर्स को ढूंढ रहे हैं और जो उनकी कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके और जो उनकी कंट्री के लिए बेनिफिट रहे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब करो और स्टे ट्यून्ड, ओके। चीयर्स।